प्रदेश के नोएडा में हॉर्न बजाना आपके लिए हो सकता है हानिकारक, क्योंकि नोएडा में वाहनों का शोर कम करने के लिए प्रशासन नई गाइडलाइंस की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए प्रशासन ने पूरे शहर का सर्वे किया है। सर्वे में शहर में कुल ऐसे 140 साइलेंस जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे। अधिकारियों की माने तो नोएडा को हॉर्न फ्री बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में हाई प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। अगर कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इन साइलेंस जोन के आधिकारिक रिकॉर्ड को शहर के नक्शों के साथ ही गूगल मैप्स पर भी अपडेट किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए शहर को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके साथ ही प्राधिकरण की ओर से एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, जिसमें ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के कारणों के बारे में जानकारी होगी। प्राधिकरण की ओर से तैयार हो रहे प्रस्ताव के मुताबिक साइलेंस जोन में पहली बार हॉर्न बजाने पर 1,000 और दूसरी बार हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। अगर कोई प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करता है तो ये चालान 10,000 तक का भी होगा। विशेष परिस्थितियों में हॉर्न का प्रयोग 50 डेसिबल दिन में और रात में 40 डेसिबल मानक होना चाहिए।